बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम फ्रैंकफर्ट की बिजनेस अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे और इसमें दो लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप क्राचेज अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमने प्रीवियसली अकाउंटिंग को समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत डिटेल्ड से बिजनेस में उसकी इम्पोर्टेंस देखी हमने कि बिजनेस बगैर अकाउंटिंग के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप रन करें, क्योंकि यू नीड डे टू डे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, फिर आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो बगैर अकाउंटिंग के पॉसिबल नहीं है। फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन लास्ट लेक्चर के अंदर देखी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। हमने देखा कि एसेट्स बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो फिर दो जरियों से आपके पास आते हैं, या तो ऑनर लेकर आएगा वो, और या फिर ये कि आप लाइबिलिटीज़ किसी और से लेके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में लगाएंगे। बैंक से लोन आप ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं, गुड्स आप क्रेडिटर से ऑन क्रेडिट ले सकते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के अंदर जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाएंगे, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स याद रखिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में हम इमोशनल बेनिफिट्स की बात नहीं करते। क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है वो अकाउंटिंग के अंदर नहीं होता, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है उस पर फोकस करते हैं, और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो डिस्क्लोज़र, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बना रहे होंगे, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे तो वो डिस्क्लोज़र हम वो फिर आपको डिटेल से हम जैसे जैसे आता जाएगा मैं बताता रहूँगा। अभी आप सिंपल ये समझ लें कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है बल्कि, और अपना इमोशनल नहीं बल्कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो चीज़ जो आपको पहुंचा रही है बिज़नेस के अंदर, वो फिर आपके एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स दो जरियों से आपके पास आते हैं, ऑनर लेकर आ सकता है, या फिर लाइबिलिटीज़ आपने लिए हुए, कर्ज़ा लिया है बैंक से लिया, रिलेटिव से लिया और बिज़नेस में उसको इन्वेस्ट किया। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आज, और इसको एक नाम देते हैं, उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो बेसिकली इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को, अगर हम आप इक्वेशन फॉर्म के अंदर देख रहे हैं, अगर इसे स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हम लिखना शुरू करें तो इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। वो कैसे करते हैं आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, अभी तक हमने थ्योरेटिकल बातें करके आपको समझाया है कि क्या होता है। आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को प्रैक्टिकली, और फिर फ्रैंकफर्ट की किताब से जो एग्जाम्पल्स दी हुई है इन्हीं को पढ़ेंगे। इसमें फिर मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। तो आप अगर इसको देखें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कहाँ से आएगा, ऑन फर्स्ट में 2015 बी ब्लैक स्टार्टेड हिज बिजनेस स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड 60,000 पाउंड इनटू अ बैंक अकाउंट ओपन स्पेशली फॉर द बिजनेस। अब यहाँ क्या हुआ कि बी ब्लैक जो है उसने एक बिजनेस शुरू किया, 60,000 पाउंड जो है उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कराए। यहाँ से आपका काम शुरू होता है, और आप किस तरीके से शुरू होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अपने आप को अकाउंटेंट समझें, ऑनर ना समझें। यहाँ से आप ये समझ लें कि बी ब्लैक ने आपको सैलरी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रख लिया है एज एन अकाउंटेंट, और 60,000 पाउंड जो है उन्होंने आपको दिए और आपसे कहा कि इसको बैंक के अंदर एक अकाउंट खुलवा लें। अब आप अकाउंटेंट हैं, जब आप अकाउंटेंट हैं तो क्या करेंगे, दो काम हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, ये ट्रांजेक्शन कहलाती है, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। इसको आप लिख लें अपने पास, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। कि एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, अगर वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, सही है, वैल्यू एक्सचेंज हुई, ऑनर के पास से जो पैसा था वो आपके पास आया बिजनेस के अंदर अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट ने बैंक के अंदर उसको जमा करा दिया, तो एक्टिविटी हुई है कि एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ऑनर ने बी ब्लैक ने पैसा जो है बिजनेस के हवाले कर दिया, बिजनेस के आप अकाउंटेंट हैं, आपने बैंक में जमा करा दिया जाके, और बैंक में जो पैसा जमा कराया है आपने वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के अंदर आए। और मैंने आपको बताया था कि एनी थिंग विच इज़ विच विल प्रोवाइड यू द इकोनॉमिक बेनिफिट इज कॉल्ड योर एसेट, वो आपका एसेट कहलाता है। तो अगर हम इसे बी ब्लैक का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अगर मैं इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लिखूं जाके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं इसको। वो कैसे लिखूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख कर आ रहा हूं कि एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज। तो एसेट्स जो है 60,000 पाउंड जो है एसेट्स आपके पास आ गए बैंक की सूरत में, क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। कहाँ से आए हैं? बी ब्लैक आपका ऑनर है, ऑनर ने एक्चुअली ये 60,000 रुपीज आपको दिए। लाइबिलिटी तो है ही नहीं, किसी से लिया नहीं है आपने, तो ये ऐसे ही रही आपके पास। 60,000 और 60,000 आप देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर दोनों इक्वल हो गए, ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी। इसको स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, ये आप याद रख लें। उसके बाद देख रहे होंगे आप बी ब्लैक लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एट 1 मई 2015 को अगर हम बैठ के ये स्टेटमेंट बनाएं, तो एसेट्स क्या है कॉलम के अंदर क्या जाएगा? एसेट्स क्या है आपका? कैश एट बैंक। कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 60,000 ये आपके पास पड़ा हुआ है। एंड ये कहाँ से आया आपके पास? ये जो बी ब्लैक था, इसने इन्वेस्टमेंट की, इसने पैसा बैंक के अंदर, तो ये जो 60,000 बैंक में पड़े हुए हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ऑफ बी ब्लैक। इसीलिए आप देख रहे होंगे 60,000 60,000 दोनों इक्वल हैं। अगर इसे स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे तो इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का, और अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमने स्टडी करी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, और आप अपने आप को यही एज्यूम करें कि आप अकाउंटेंट हैं, आप बैठ के ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगी जैसे आपने बनाई। ये स्टेटमेंट आपने बना ली, इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नंबर टू में देखते हैं, अब ये बिजनेस जब शुरू हुआ तो डेफिनेटली कुछ आप खरीदेंगे, ये आपका आपका जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं चलेगा कैसे? तो ये चलेगा ऐसे कि शॉप आपको खोलनी पड़ेगी, आप कोई शॉप खोल रहे हैं, उसके अंदर फिर चीज़ें आप खरीदेंगे, चीज़ें बेचेंगे, तो शॉप को जो है वो देखते हैं बी ब्लैक क्या कर रहे हैं, आपका जो ऑनर है उसके जहन में क्या है, आगे बढ़ाते हैं। ऑन 3 मई 2015 ब्लैक बाइज अ कियास्क, कियास्क माने एक स्मॉल शॉप होती है, वो इसने खरीद ली फॉर 32,000 पाउंड। 32,000 पाउंड की ये उसने कियास्क जो है वो खरीदा, एंड पेस फॉर इट बाय इंटरनेट ट्रांसफर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, और इंटरनेट ट्रांसफर करके, मतलब जो ट्रांसफर होता है एक फैसिलिटी होती है बैंक में, आप इंटरनेट पे जाके उस बैंक की साइट पर जाएं, लॉगिन करें, और उसके बाद में उस बैंक से जिस जहां भी आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट आप ट्रांसफर ऑनलाइन कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑनलाइन सारे ही बैंक ये फैसिलिटीज दे रहे होते हैं, तो ये ऑनलाइन आपने क्या करा मेरे भाई, ट्रांसफर कर दिया। अब आप बी ब्लैक के अकाउंटेंट हैं, थिंक अबाउट इट कि व्हाट्स हैपनिंग, हुआ क्या, ये कियास्क जो है वो आपके पास, जो स्मॉल शॉप है ये आपके पास आ गई, और स्मॉल शॉप जो है ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगी, तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये जो शॉप है ये आपका एसेट है। तो एसेट आपके पास आया, कौन सा एसेट आया? शॉप की शक्ल के अंदर कैश एट बैंक। कैश एट बैंक आपके पास कितना पड़ा हुआ था? आप देख रहे होंगे 60,000 ये था आपके पास, और मेरे भाई 60,000 पाउंड में से जो बैंक में पड़े हुए थे 32,000 पाउंड आपने ट्रांसफर कर दिए, तो आपके बैंक से ये रकम क्या हुई? कम हो गई। तो 60,000 में से 32,000 पाउंड आपने कम करे तो 28,000 आपके पास बचा। ये 28,000 पाउंड जो है वो क्या है? कैश एट बैंक। ये बैंक के अंदर अब आपके पास 60,000 पाउंड नहीं है, बल्कि बैंक में आपके पास 28,000 पाउंड है। हाँ, अलबत्ता एक और एसेट आपका आया, और वो एसेट क्या है आपके पास? वो है 32,000 की शॉप जो कियास्क आपने लिया है। तो एसेट आपके पास, अब पहले एसेट सिर्फ बैंक की सूरत में, लेकिन डेफिनेटली अब आप बिजनेस कर रहे होंगे, चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे, शॉप भी आपको चाहिए, फर्नीचर भी आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं आगे ये बिजनेस चल कैसे रहा है। अभी तो हमने दुकान खरीदी है, और दुकान खरीदने के बाद 32,000 की दुकान हमारे पास मौजूद है, 28,000 का ये है, और कैपिटल जो बी ब्लैक का कैपिटल है वही 60,000 कैपिटल है। और देखें ये एसेट्स जो है वो भी 60,000 के हैं आपके पास। आप अकाउंटेंट हैं और जहीन अकाउंटेंट हैं, अगर बी ब्लैक आपको बुलाता है और पूछता है भाई जो बैंक के अंदर मेरे 60,000 मैंने जमा कराए थे उसका क्या हुआ, तो आप उससे कहेंगे कि सर देखें ये आपके पास कैश एट बैंक, बैंक में आपके 28,000 पड़े हुए हैं और 32,000 जो है पेमेंट कर दी है हमने शॉप की, तो शॉप हमारे पास 32,000 की है, 32,000 और 28,000 को जमा करें तो ये 60,000 आपका कैपिटल बनता है जो बिजनेस में मौजूद है। तो दैट्स द होल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, द परचेज ऑफ एन एसेट्स एंड द इंकरिंग ऑफ ए लाइबिलिटी। अब एक एसेट्स हम खरीद रहे हैं, और लाइबिलिटी माने मैंने आपको बताया था कि ऑनर के अलावा भी बिजनेस के अंदर एसेट्स जो हैं वो आ सकते हैं, और वो आप कर्जा लेके, लोन लेके, गुड्स ऑन क्रेडिट करके भी आप खरीद सकते हैं, आ सकते हैं ये एसेट्स। वो कैसे हैं वो देखते हैं। ऑन 6 मई 2015 ब्लैक बाइज सम गुड्स ऑन टाइम। ऑन टाइम का मकसद है क्रेडिट।
ब्लैक बाई सम गुड्स, गुड्स क्या हैं? ये गुड्स वो हैं जिस पे आप प्रॉफिट रखकर आगे बेच देंगे, जो कि आज का आपके पास स्मॉल शॉप है उसमें कुछ तो बेचेंगे ना। से फॉर एग्जांपल ये गारमेंट्स की शॉप हम एज्यूम कर लेते हैं, ये गारमेंट्स, कुछ गारमेंट्स हमने खरीदे ऑन टाइम, का मकसद क्या हुआ कि हमने क्रेडिट के ऊपर, हमने कहा कि जो सप्लायर था गारमेंट्स का उससे हमने कहा कि यार हमें कुछ 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 अरसे के बाद, फ्रॉम डी स्मिथ, बल्कि नाम भी दिया हुआ है कि डी स्मिथ कोई सप्लायर था, उससे हमने 7,000 पाउंड की गुड्स जो है, गारमेंट्स, समझ, गुड्स माने, गुड्स माने एनी थिंग विच यू विल सेल बाय एडिंग योर प्रॉफिट, कि जो भी आप खरीदेंगे उस पर अपना प्रॉफिट रखकर आप आगे बेचेंगे तो उसे गुड्स कहते हैं। और गुड्स सप्लाईज और मर्चेंडाइज, ये तमाम नाम है उसके, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। तो गुड्स अभी आप जहन के अंदर रखें कि मर्चेंडाइज जहन के अंदर रख लें, तो गुड्स आपने ली, ये गुड्स आ गई, मर्चेंडाइज भी कहते हैं इसको, तो गुड्स हो गई, मर्चेंडाइज हो गई। ये आप क्या होती हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जो आप अपने बिजनेस के अंदर इस पर प्रॉफिट रखकर आप आगे बेचेंगे। तो वह जैसे आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो जितनी गारमेंट्स खरीदेंगे ये अकाउंटिंग की जबान में क्या कहलाएंगी? गुड्स कहलाएंगी। अगर आपका फर्नीचर का शोरूम आपने खोला हुआ है तो जितना फर्नीचर आप खरीदेंगे वो सब क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएंगे, फर्नीचर नहीं कहलाएगा बल्कि गुड्स कहलाएगा। इस पर आप अपना प्रॉफिट रखकर आगे बेच देंगे। तो कीप इट इन योर माइंड के आपने गुड्स अगर ऑन क्रेडिट खरीदे, गुड्स क्या हैं? ये गुड्स वो हैं जो आप रखेंगे अपनी कियास्क, अपनी स्मॉल शॉप के अंदर, आप इसको शेल्विंग करेंगे और उसके बाद कस्टमर्स आएंगे और इसको खरीदेंगे। बिजनेस यही होता है सारे का सारा। तो अब ये आपने जब खरीदा तो ये डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुंचाएगा। तो इसका मकसद है जो गुड्स हैं आपकी, ये भी आपका एसेट है। क्या है? आपका एसेट है। लेकिन ये एसेट आ तो रहा है बिजनेस में, जा आपके पास से कुछ नहीं रहा है, अलबत्ता आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइबिलिटी क्या क्रिएट हो रही है? क्योंकि डी स्मिथ को ये 7,000 पाउंड आपको पे करने हैं। यू आर नॉट पैंग इमीजिएटली बट यू हैव टू पे, एंड वट एवर यू हैव टू पे टू एनी वन इज कॉल्ड योर लाइबिलिटी। ये आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। तो कीप इट इन योर माइंड द लाइबिलिटी, वट एवर यू टेक फ्रॉम सम, मे बी यू विल बी टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक और यू आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एनी बॉडी, तो दे आर कॉल्ड, ये जो डी स्मिथ है इसे अकाउंटिंग की जबान में हम क्रेडिटर कहते हैं। इसको जहन में रखिएगा, ये क्रेडिटर देखें लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, इसको क्रेडिटर कहते हैं। और गुड्स जो आपने खरीदी हैं इसको इन्वेंट्री, या आपका एसेट है इसको क्या नाम देते हैं? इसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का मकसद है वो चीज़ जो बेचने के लिए रखी गई है, जिसको आप बेचेंगे आगे प्रॉफिट रखकर। गुड्स आपने खरीदी है इसको इन्वेंट्री कहते हैं। ये इन्वेंट्री आपको नजर आ रही होगी, जिस जो आप खरीद रहे हैं, जिससे ये डी स्मिथ ये नजर आ रहा है। डी स्मिथ जो है आपका क्रेडिटर है अकाउंटिंग की जबान के अंदर, जिसे क्रेडिटर कहते हैं, जिससे हमने उधार माल खरीदा, ऑन क्रेडिट ऑन टाइम हमने माल खरीदा। और ये जो रिप्रेजेंट होगा इसको किस नाम से करेंगे? अकाउंट जो हम करेंगे इसे अकाउंट पेबल कहते हैं। अकाउंट पेबल का मकसद है कि ये पेबल है विच वी हैव टू पे, जो हमें पे करना है। तो अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, जिससे हमने माल खरीदा वो हमारा क्रेडिटर है। जो माल हमने बेचने के लिए खरीदा उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया हो गई, अगर ये स्टोरी आ गई आपकी समझ में तो ज़िंदगी आसान है। एसेट्स देखें आपके पास क्या क्या हो गए हैं इस बिज़नेस के अंदर। शॉप 32,000 डॉलर की आपके पास, पता है आपको। बैंक के अंदर 28,000 पड़े हुए थे, ये दो बातें तो आपको पता है। अलबत्ता इन्वेंट्री का नया इजाफा हुआ, ये इन्वेंट्री आपके पास 7,000 पाउंड की आपके पास आ गई। तो टोटल एसेट्स आपके 67,000 हो गए। ये टोटल एसेट्स सब 67,000 के हो गए, और इसमें से लेस कर दें अकाउंट्स पेएबल, ये अकाउंट्स पेएबल भी आपकी लाइबिलिटी है। और अगर एसेट्स में से लाइबिलिटीज को पे कर दें, माइनस कर दें, तो फिर क्या बचेगा? आपका कैपिटल आ जाएगा। ये देख रहे होंगे कैपिटल वही 60,000 का हो गया। अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर इस तरीके से शो करते हैं। अगर मैं इसे अकाउंटिंग इक्वेशन की सूरत में लेकर आऊं तो देखें यूं बनेगा। आपको पता है कि एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो देखें एसेट्स आपके पास कितने के हैं? 67,000 पाउंड के आपके पास एसेट्स हैं। ये देख रहे हैं, यहां तक निशान लगा दें। कैपिटल आपका कितना है? 60,000 कैपिटल ऑनर ने लगाया हुआ है, तो कैपिटल तो 60,000 आ गया। और ये जो लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेएबल, ये लाइबिलिटी ये कितने की आपके पास आ गई? ये 7,000 की। तो आप देखें ये जो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो आप देख रहे होंगे एसेट्स भी 67,000 के हैं इस इक्वेशन के अंदर,
और ये जो दो चीजें हैं 60 और ये भी 67,000 की है, और इन दोनों को मिला के कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, तो अभी आपने देखा कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, दोनों इक्वल आ गए। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट और इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करूं, चेंज करूं, तो ये लाइबिलिटी यहां प्लस के अंदर है। अगर मैं इससे प्ले करूं इस इक्वेशन से मैथमेटिक्स की जबान में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज को माइनस करूं, जैसे ये 67,000 डॉलर के पाउंड के मेरे पास एसेट्स थे और 7,000 की मुझे लाइबिलिटी डी स्मिथ को पे करना है, तो कहां से पे करूंगा, एसेट से ही पे करूंगा ना आगे जाके। तो जब मैं ये पे कर दूंगा तो बाकी एसेट्स में से मैंने लाइबिलिटीज को माइनस करा तो क्या आ गया, ये 67,000 पाउंड के मेरे पास एसेट्स थे, 7,000 का डी स्मिथ को पे करना है और ये 60,000 मेरे पास कैपिटल है। तो देखें वही 60,000 और 60,000 दोनों आपके पास इक्वल आ जाएगा। तो इन एनी वे अकाउंटिंग इक्वेशन जब हम इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, तो मैंने आपको वो बताया, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की सूरत में लिख रहे होते हैं तो फिर सिंपल ये करते हैं, आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे इसने रिप्रेजेंट किया, आप एसेट्स के ऊपर दो लाइनें यहाँ ऐसे करके लगा दें, ये भी आप कर सकते हैं, और अकाउंट्स पेबल और इसको मिला के अगर लिख दें दोनों को, ये 7,000 ये 60,000 अगर आप इनको जमा करेंगे तो देखें वो 67,000 बन जाएगा। ये 67 ये 67 इक्वल हो गया। या इसे प्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कि आप 67,000 टोटल एसेट्स में से जैसे इसने करा हुआ है लाइबिलिटी को माइनस करा तो बाकी कैपिटल आ गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी टाई बैक होती है। तो ये आपने देखा कि लाइबिलिटी क्या होती है, जब हम क्रेडिट पे माल खरीदते हैं क्रेडिटर क्या होता है, अकाउंट पेबल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, ये आपने आपकी समझ में आ गई बात। हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं ज़रा सा, और जितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको ढंग से समझ लेंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। आगे जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ते रहेंगे यू विल बी एट ईज़। तो इसको ध्यान में रखें, बेसिक कंसेप्ट है। ऑन 10th में 2015 गुड्स दैट कॉस्ट 600 पाउंड वर सोल्ड ऑन टाइम टू जे ब्राउन फॉर द सेम अमाउंट। के जे ब्राउन को हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, बल्कि जो 600 पाउंड की जो चीज़ें थी वो ऐसे की ऐसे ही हमने, ऑन टाइम का मकसद क्या है, ऑन क्रेडिट के, क्रेडिट के ऊपर हमने जे ब्राउन को भेज दी। अब जब इन्वेंट्री को बेचते हैं तो उसे फिर सेल्स का नाम देते हैं, सेल्स रेवेन्यू आपका या आपका, लेकिन रेवेन्यू अभी प्रॉफिट आपने इस पर कुछ नहीं कमाया, तो इसका मकसद है जितने की इन्वेंट्री थी इतने की ही इन्वेंट्री आपकी चली गई। इन्वेंट्री थी कितनी की आपके पास, 7,000 पाउंड की इन्वेंट्री थी, इसमें 600 पाउंड की इन्वेंट्री आपने बेच दी। तो 7,000 में से माइनस करते हैं 600 को, तो यू गेट 6,400। ये इन्वेंट्री आपके पास बची, लेकिन अब बाकी एसेट आपके, अब और कौन सा एसेट है, मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज़ जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको पहुंचाए वो फिर आपको क्या होगी, वो आपका एसेट कहलाती है। तो जे ब्राउन जो है वो भी एक एसेट है, जैसे हमने अकाउंट पेएबल देखा कि वो लाइबिलिटी थी, इसी को एक कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहते हैं, ये नज़र भी आ रहा होगा आपको, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मकसद है, जैसे अकाउंट पेएबल का मकसद था कि पे करना है आपको क्रेडिटर को, तो इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल का मकसद है कि यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करना है। और जब जो कस्टमर होता है उसे अकाउंटिंग की जबान में ख़ास नाम देते हैं, उसे कहते हैं डेटर, बी साइलेंट है डेटर। डेटर का मकसद क्या हुआ कि आपका कस्टमर, और डेटर इसमें जे ब्राउन जो है वो बेसिकली आपका डेटर है। डेटर माने यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम, क्योंकि आपने उसे ऑन क्रेडिट ऑन टाइम माल जो है वो बेचा है। और वो जो नाम होता है जिसे हम कहते हैं अकाउंट पेबल जैसे था, तो इसको हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये अकाउंट है, ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं ये इनको अकाउंटिंग की जबान के अंदर अकाउंट कहते हैं। शॉप एक अकाउंट है आपका, आप हेडिंग वाइज खोलते चले जा रहे हैं,
अकाउंटिंग के टर्म्स के अंदर इसको अकाउंट कहते हैं। तो आपके पास कितने अकाउंट्स हो गए, शॉप का अकाउंट हो गया, इन्वेंट्री हो गई। इन्वेंट्री आप देख रहे होंगे 6400, क्योंकि 7000 पाउंड की थी, 600 पाउंड की आपने बेच दी, प्रॉफिट कुछ नहीं कमाया, तो 6400 पाउंड आपके पास बचा। और एक एसेट आपका जो इनटेंजिबल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लेकिन जे ब्राउन मौजूद है, यू हैव टू टेक मनी फ्रॉम जे ब्राउन, क्योंकि जे ब्राउन को आपने माल बेचा है, तो जे ब्राउन का जो अकाउंट रिसीवेबल है उसको भी हम एसेट कहते हैं। एसेट मीन्स एनी थिंग विच विल प्रोवाइड यू, और उसका कैश फ्लो जो है वो इनफ्लो होगा, कि कैश जो है वो इनफ्लो होगा बिजनेस के अंदर। तो ये पैसा आज नहीं मिला, तो इसका मकसद है जो पैसा है आपके पास मौजूद वो भी आपका रिसोर्स है, और जो मिलेगा यू विल रिसीव वो भी आपका एसेट है। तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपका 600 पाउंड का ये एसेट आपके पास आ गया। कैश एट बैंक के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, इन सबको आपने जमा किया, तो अगेन वो 67000 पाउंड बनते हैं आपके एसेट के अंदर, क्योंकि मूवमेंट हुई है सिर्फ। इन्वेंट्री कम हो गई आपकी 600 पाउंड से, और अकाउंट रिसीवेबल का इजाफा हो गया, तो 67000 अपनी जगह मौजूद है। अकाउंट पेबल वही 7000 पाउंड का है, और कैपिटल वही 60000 का है। तो इसका मकसद हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपके पास है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर 67000 इज इक्वल माइनस 7000 करके आपने 60000 जो है वो कैपिटल की अमाउंट निकाली। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपने देखा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन आपने देखी। ये कुछ हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं बेसिकली, और ट्रांजेक्शन में आपको पहले भी बता के आ रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। तो आप आज आपने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, आपने ट्रांजेक्शन समझी, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद ये समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की शक्ल के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने फिर ये सीखा कि जो आपका जो क्रेडिटर है, जब उधार के ऊपर ऑन क्रेडिट माल खरीदते हैं, तो क्रेडिटर को आपने सीखा। आपने उसके बाद अकाउंट पेबल देखा कि वो लायबिलिटी किस तरीके से है। आपने ऑन क्रेडिट माल बेचा, आपने देखा कि यार ये जब बेचते हैं ऑन क्रेडिट तो अकाउंट रिसीवेबल होता है, जिसको बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं। तो डेटर, क्रेडिटर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, ये आपने आज चीज़ें सीखी। इसको रिपीट कीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर द बेसिक्स जो आपको एंड तक ये तमाम चीजें जो है वो आपको काम आएंगी, और इंशाल्लाह इस सिलसिले को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।